आपने अक्सर नोटिस किया होगा मैच के दौरान फील्डर और बैट्समैन पिच के ऊपर नहीं दौड़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों आज आप ऐसे वियर्ड रूल्स जानने वाले हैं जिन्हें आप आज से पहले नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। दोस्तों नंबर 6 और नंबर 8 पर तो ऐसे रूल्स हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फेक फील्डिंग। दोस्तों फेक फील्डिंग एक ऐसा रूल है जिसमें अगर कोई फील्डर बिना बॉल पकड़े ऐसा बिहेव करे कि बैट्समैन को लगे बॉल फील्डर के पास है, तो इसे फेक फील्डिंग कहा जाता है। और इस रूल को फील्डर अगर फॉलो नहीं करता तो बॉलिंग टीम को पेनल्टी के 5 रन देने पड़ते हैं बैटिंग टीम को। नंबर 2, क्रिकेट के रूल्स में से एक रूल ये भी है कि बैटिंग के दौरान बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल अगर हवा में किसी भी चीज से टकरा कर नीचे आ जाती है तो वो बॉल डेड बॉल मानी जाती है और वो बॉल पर लिया गया रन भी नहीं माना जाता है। नंबर 3, विकेट कीपिंग करते समय कई रूल्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि बैट्समैन को स्टंप करना हो तो बॉल को विकेटों के पीछे से पकड़ना होगा। और इसी तरह विकेट कीपिंग करते समय ये भी एक रूल है कि यदि विकेट कीपर अपने हेलमेट को उतार कर नीचे रख देता है और खुद कैप पहने रहता है, तो ऐसे में यदि बॉलर की बॉल विकेट कीपर के हेलमेट से टकरा जाती है तो ऐसे में बैटिंग टीम को 5 रन दिए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दो ऐसी नई वीडियोस को देखने के लिए। नंबर 4, आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि भाई अंपायर पीछे की ओर मुड़कर इशारा करते हैं, वो किसे करते हैं? क्या मैदान में बैठे दर्शकों की ओर? नहीं भाइयों, अंपायर का वो इशारा स्कोर बोर्ड को अपडेट करने के लिए होता है, स्कोर बोर्ड कर्मचारी की तरफ से। अंपायर के जवाब में हरी झंडी को लहरा जाता है। और यदि स्कोर बोर्ड कर्मचारी की तरफ से अंपायर को कोई भी मैसेज नहीं मिलता है तो ऐसे में अंपायर मैच को वही रोक देते हैं। और भाइयों यही वजह है कि अंपायर जनाब एक एक बॉल पर इशारा कर बताते हैं कि लो भाइयों ये अभी चौका है, ये छक्का है। नंबर 5, दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर LBW आउट हो जाता है तो तब तक अंपायर उसे आउट नहीं दे सकते जब तक फील्डिंग टीम के द्वारा कोई भी अपील नहीं करता है, तो ऐसे में अंपायर खुद से बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते हैं, फिर चाहे बैट्समैन आउट ही क्यों ना हो। नंबर 6, क्रिकेट के कई अजीबोगरीब रूल्स तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन क्रिकेट का एक वियर्ड रूल ये भी है कि कोई बैट्समैन आउट हो जाता है और दूसरा बैट्समैन बैटिंग करने के लिए पिच पर 3 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता है तो ऐसे में उसे आउट दे दिया जाता है, लेकिन अब ये टाइम 3 मिनट से केवल 19 सेकंड्स का हो गया है। नंबर 7, दोस्तों आपको ये रूल जानकर हैरानी होगी कि बॉल विकेटों से लगती है तो साफ सी बात है कि बैट्समैन आउट हो गया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बॉल विकेटों से टकराती है और ऐसे में यदि विकेटों से बेल्स नहीं गिरती है तो अंपायर चाहकर भी बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते। दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट में बेल्स को कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर होगी कि जहाँ क्रिकेट में बेल्स को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वहीं पर बेल्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। क्रिकेट में ऐसे कई मैच खेले गए हैं जिसमें भैया बेल्स ही नहीं लगी होती, लेकिन भाई ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है जब मैदान पर हवा चल रही हो और हवा चलने के कारण बेल्स खुद ब खुद गिर जा रही हो तो ऐसे में अंपायर्स बेल्स को हटा देते हैं, है ना गजब का रूल। नंबर 8, दोस्तों फील्डर्स को भी कई सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यदि कोई फील्डर विकेट कीपर के ग्लव्स को डाल कर विकेट कीपिंग करने लगता है और वो फील्डर विकेट कीपर नहीं है तो ऐसे में वो बॉल अंपायर के द्वारा नो बॉल दी जाएगी, इसीलिए मैच में विकेट कीपर के अलावा कोई भी प्लेयर विकेट कीपिंग ग्लव्स नहीं पहनता है। नंबर 9, दोस्तों ये है लास्ट रूल, इसे भी अंत तक देख के ही जाना। दोस्तों आपके दिमाग में भी ये बात जरूर से आई होगी कि मैच खेल रहा कोई भी प्लेयर पिच के ऊपर क्यों नहीं चलता है और बैट्समैन भी पिच पर दौड़ने के बजाय साइड में दौड़ते हैं। दोस्तों ऐसा वो इसलिए करते हैं कि हमारे आउट हो जाने के बाद खेलने वाले प्लेयर को बैटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों साफ सी बात है, अगर वो पिच पर दौड़ेंगे तो पिच को डैमेज होगा, पिच पहले से बदतर हो जाएगी और ऐसे में बाद में बैटिंग करने वाले नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्रिकेट का सबसे अजीबोगरीब रूल कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ऐसी और फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। दोस्तों प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।